हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज एक न्यू यूनिट स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। देखो, ये जो है यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है और आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे फोर्स एंड इनर्शिया के बारे में, ठीक है ना। फोर्स और इनर्शिया का ये चैप्टर पढ़ने से पहले फोर्स और इनर्शिया का पूरा अच्छे से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग पहले भी फोर्स पढ़े हो, शायद इनर्शिया भी पढ़े हो, लेकिन वो बेसिक बेसिक सा पढ़े हो। आज हम लोग पूरे अच्छे से पढ़ेंगे फोर्स और इनर्शिया के बारे में, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं लेक्चर की ओर। ओके, देखो फोर्स क्या होता है। फोर्स तुम लोग पहले भी पढ़ो, फोर्स क्या होता है तुम लोग पढ़ोगे, इट इज अ पुश और पुल विच चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी और टेंड्स टू चेंज, ठीक है। विच चेंज द मोशन ऑफ बॉडी स्टेट विच चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी और टेंड्स टू चेंज, इसका मतलब क्या होता है। चेंज द मोशन ऑफ बॉडी और टेंड्स टू चेंज, इसका मतलब देखो क्या है ना, टेंड्स टू चेंज का मतलब क्या होता है। एक तो हो गया फोर्स, हुआ है जो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। जैसे मान लो कोई बॉडी रेस्ट पे, उसको मोशन में ला रहा है, कोई बॉडी मोशन में उसको रेस्ट पे ला रहा है, इस तरह का चीज़ें जो करता है वो क्या करता है बच्चों, फोर्स करता है, ठीक है, क्लियर है। टेंस टू मोशन का मतलब क्या हुआ, टेंस टू मोशन का मतलब ये होता है कि जैसे देखो क्या है ना, ये वाल दिख रहा है तुम्हें, दीवाल को हम फोर्स लगा रहे हैं, मोशन में हुआ क्या, रेस्ट पे था और अभी भी क्या है, रेस्ट पे। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम इस पर फोर्स नहीं लगा रहे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम फोर्स नहीं लगा रहे, फोर्स तो लगा रहे हैं। टेंस टू मोशन, हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो चाहता है कि ये मोशन करे। टेंस टू मोशन का मतलब ये होता है कि वो चाह रहा है ये तो मोशन करे या मोशन करवाते। तो कई जगह पे हम लोग फोर्स लगाते लेकिन मोशन नहीं होता, तो टेंस टू मोशन वाला कंडीशन आ गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होता है, फोर्स। फोर्स एक और तरह का फोर्स होता है जो कि अलग यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे, वो होता है डिफॉर्मिंग फोर्स। वो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है सर, तो देखो डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स है ना जो मोशन नहीं करवाता है, जो कि मोशन नहीं करवाता, क्या करता है उसके शेप को चेंज करता है, किसी भी बॉडी के शेप को क्या करता है, चेंज। जैसे ये देख लो, ये तुम्हें दिख रहा है, ठीक ना, देखो इसके शेप को हम क्या कर दिए, चेंज कर दिए। इसको और पतला कर सकते, देखो और पतला हो गया, इसको और पतला कर सकते हैं, देखो और पतला हो गया। तो इसको दाबने से क्या हो रहा है, इसका शेप चेंज हो रहा है। तो ये क्या है, इस पर भी तो हम फोर्स लगा रहे हैं। जैसे देखो अभी ये इतना मोटा था ना, अब देखो क्या किया, हो गया ना काफ़ी पतला हो गया। तो इसका क्या चेंज हुआ, शेप चेंज हुआ, जबकि हम लगाए क्या थे, फोर्स। तो ये भी एक फोर्स है जिसको हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं, जिसको कि अभी नहीं पढ़ना है इस यूनिट में। डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो पढ़ना है क्या इस चैप्टर में, इस यूनिट में, वो फोर्स जो मोशन करवाता है, टेंस टू मोशन मतलब मोशन करवाना चाहता है या मोशन करवा रहा हो या मतलब स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहा हो, ठीक है। मतलब रेस्ट पे तो मोशन में, मोशन में तो रेस्ट पे, कांस्टेंट वेलोसिटी में है तो उसको एक्सेलरेटेड, रिटार्डेड कुछ भी करवा सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, हो गया। ओके, फोर्स जो है वो कौन सी क्वांटिटी, ये बात तुम लोग को पहले से पता है। वैसे फोर्स कौन सी क्वांटिटी है बच्चों, बताओ ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा बच्चों, और इसके पास डायरेक्शन भी होगा। इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, यस। देखो कैसे, जैसे ये है, ठीक है, देखो हम इस पे फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, क्या ये मोशन किया, नहीं। मान लो हम 50 न्यूटन इसको इधर लगाए, मोशन किया, नहीं। अगर 50 न्यूटन इधर लगाएंगे तो बताओ, अगर 50 न्यूटन इधर लगाएंगे तो ये क्या होगा, मोशन करेगा। लेकिन अगर ऐसे लगा रहे हैं जैसे ये किसी चीज़ पर रखा हुआ है, जैसे कोई टेबल पर रखा हुआ है, तो ऐसे फोर्स लगाओगे तो मोशन करेगा नहीं, लेकिन ऐसे फोर्स लगाओगे तो ये मोशन करेगा। तो 50 न्यूटन पे मोशन भी करा, 50 न्यूटन पे एक ऐसा डायरेक्शन है जिस पर मोशन नहीं करा, मतलब ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, ये मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, तो इसलिए क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये तो पता चल गया, मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मतलब फोर्स का डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। फोर्स एक और चीज़ पे डिपेंड करता है जो कि बहुत कम बुक में लिखा हुआ है। फोर्स एक और चीज़ पे डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। लिख लो इसको, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो देखो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है ना, जैसे ये है, ये तुम्हें दिख रहा है, अगर हम इस पर फोर्स इधर लगाए तो ये चल, इसको रखे कहाँ पे, चलो इसको इस पर रखे, चलो देखो ये है, इस पर अगर हम फोर्स इधर लगाए तो बताओ ये चल रहा है, चल रहा है। अब बताओ इस पर फोर्स का डायरेक्शन सेम है, 20 न्यूटन फोर्स लगाया इधर
और ये चल रहा है। अब डायरेक्शन सेम है, सेम देखो पैरेलल हम शिफ्ट कर सकते हैं ना, तो डायरेक्शन में कोई चेंज, डायरेक्शन इधर था अब डायरेक्शन इधर, डायरेक्शन तो सेम ही है ना, क्योंकि ये पहले इधर था, किधर मान लो उधर ईस्ट है, तो पहले ये फोर्स ईस्ट में था 20 न्यूटन, अब बताओ फोर्स यहाँ पे भी लगा होता अभी भी तो ये ईस्ट में और 20 न्यूटन, लेकिन आप देखो ये पहले यहाँ पे क्या हो रहा था, चल रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था बच्चों, चल रहा था, अब यहाँ पे देखो यहाँ 20 न्यूटन लगा होते क्या होगा, घूमेगा, ये क्या होगा बच्चों, घूमेगा, एक जगह लगाया तो ये चल रहा था 20 न्यूटन और सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन और 20 न्यूटन मतलब फोर्स में कोई चेंज नहीं किया ना डायरेक्शन में ना मैग्नीट्यूड में, तो एक जगह वो उसको चला रहा था और एक जगह उसको घुमा रहा था, ये क्यों हुआ, क्योंकि देखो पहले वाले केस में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या था, जहाँ पे लग रहा है फोर्स ये था, दूसरे वाले केस में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये था, इस पे किए सेम फोर्स सेम डायरेक्शन, तो इसको क्या कर रहा था, चला रहा था, और यहाँ पे किए तो इसको बताओ क्या कर रहा था, घुमा रहा था, ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे भी फोर्स डिपेंड करता है, ये बहुत कम बुक में लिखा रहता है, तो ये जरूर लिखना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे भी फोर्स डिपेंड करता है। इसका यूज कहाँ है सर, इसका यूज है रोटेशनल चैप्टर में, रोटेशनल चैप्टर भी तुम्हारे प्लस वन में ही है, और उसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का बहुत बड़ा यूज है, तो वहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पूरा फंडा क्लियर होगा। तो अभी हम लोग ये जाने कि फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे भी डिपेंड करता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, ओके, तो फोर्स के बारे में हम लोग को पता चल गया, फोर्स क्या बोलते हैं, इट इज अ पुश और पुल विच चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी और टेंस टू चेंज द स्टेशन ऑफ टेंस टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, ठीक है, विच चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी और टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, ये बात समझ में आ गया तुम लोग को। उसके बाद हम लोग ये भी पढ़े कि है ना एक और फोर्स होता है डिफॉर्मिंग फोर्स, जो कि मोशन नहीं करवाता, वो शेप को चेंज करता है, जैसे बॉल हो गया, ठीक है, स्पंजी बॉल जो आता है, स्पंजी बॉल आता है, ठीक है, तो उसका शेप अभी अलग है और दाबोगे तो उसका शेप क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है, ऐसा ही होता है, दाबने के बाद उसका शेप अलग हो जाता है। तो जब तुम पहले तो ये जो फोर्स लगाए हो, ये जो फोर्स लगाए हो स्पंजी बॉल पे, तो क्या बोलते हैं, पुश करने के बाद ये क्या हो गया, इसका शेप चेंज, साइज क्या हो गया, चेंज हो गया, पहले बड़ा था अब क्या हो गया, छोटा हो गया, साइज चेंज हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो अगर साइज चेंज हुआ है तो ये जो करवाया है ये कौन सा फोर्स, ये डिफॉर्मिंग फोर्स, ये कौन सा फोर्स है बच्चों, डिफॉर्मिंग फोर्स है, जो शेप में चेंज करता है। जैसे अभी हम ये किए थे ना, ये हम लोग किए थे, तो इसमें बताओ ये क्या था, ऐसे, अभी ये ऐसे देखो, ये इसको ऐसे कर दिए तो ये क्या हो गया, इसका शेप भी चेंज हो गया और इसका साइज भी क्या हो गया, चेंज हो गया, तो इसको हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं बच्चों, डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। फिर हम लोग ये भी पढ़े कि ना वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज होने के, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होने के बावजूद अगर फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग जगह है तो अलग तरीका मोशन करवा सकता है, ये भी हम लोग पढ़ लिए, तो ओके यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। फोर्स हम लोग पढ़े, अब हम लोग पढ़ते क्या, इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है, देखो इनर्शिया जो होता है ना, इनर्शिया जो है इनएबिलिटी ऑफ बॉडी है टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इट्सेल्फ, समझे, इट इज इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इट्सेल्फ। सर ये क्या बोल रहा है, तो सुनो ये क्या बोल रहा है, जैसे हम ये बोल रहे हैं ना, देखो क्या है, कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है, ठीक है, तो वो जैसे ये रेस्ट पे, मान लो ये रेस्ट पे, ठीक है, ये बॉडी क्या है, रेस्ट पे, तो अब बताओ ये रेस्ट पे जिंदगी भर रहेगी, ये क्या रहेगी बच्चों, रेस्ट पे जिंदगी भर रहेगी, ठीक है, ये रेस्ट पे जिंदगी भर रहेगी, ठीक ना, कब तक, जब तक इस पर क्या ना लगा दो, फोर्स ना लगा दो, जैसे ही फोर्स लगाओगे ये मोशन में आ जाएगा। तो बताओ इसको कोई बोलेगा अपने आप से मोशन कर लो, बोलोगे कि ना मोशन स्टार्ट कर दो, तो ये मोशन कर लेगा, नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा मोशन, क्योंकि इस पर जब तक फोर्स ना लगे तब तक ये मोशन नहीं कर सकता, अपने आप से ये मोशन नहीं कर सकता, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया क्या, इट इज ए इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इट्सेल्फ। ऐसा नहीं कि रेस्ट पे तो मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में, कोई बॉडी मोशन में, ठीक है, मान लो एक कार चल रहा है फ्रिक्शन रेस सरफेस पे, ऐसे जो कार चलता है वो फ्रिक्शन सरफेस पे चलता है, फ्रिक्शन होता है रोड पे, तो इसलिए थोड़ी देर बाद रुक जाता है। मान लो फ्रिक्शन रेस सरफेस होता है, कार अगर चल रहा है, वैसे फ्रिक्शन रेस सरफेस पे कार चल ही नहीं सकता, वो अलग बात है, चलो मान लो ना कार चल रहा है, ठीक है, कार चल रहा है, आप कार को बोलोगे है ना रुक जाओ, रुक जाता है क्या, खुद से रुक जाता है, नहीं रुक पाता ना, अगर उसको रोकना है तो हमें क्या लगाना पड़ता है, ब्रेक लगाना पड़ता है, मतलब हमें फोर्स लगाना पड़ता है ना, तो जाके कार रुकता है ना, तो कार अपने आप से रुक सकता है, नहीं, ठीक है, मतलब चलता हुआ चीज़ अपने आप से रेस्ट पे नहीं आ सकता, रेस्ट पे जो चीज़ अपने आप मोशन में नहीं आ सकता,
तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्सिया बोलते हैं। हम लोग इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इनर्सिया, इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन बाय इट्सेल्फ, इसको हम लोग इनर्सिया बोलते हैं। ये थ्री टाइप्स के होते हैं। ये बच्चों कितने टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इनर्सिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है इनर्सिया ऑफ मोशन, और तीसरा होता है इनर्सिया ऑफ DRS डायरेक्शन। ये तीन टाइप्स के होते हैं इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनर्सिया से क्वेश्चन भी बनते हैं। ये थ्योरी पार्ट्स है लेकिन इससे बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन सकता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो अच्छे से सुनना, हम इनर्सिया पे पूरा तुम लोगों को PhD करवाने वाले हैं, ठीक है। ठीक है। तो अब हम पहले समझते हैं इनर्सिया ऑफ रेस्ट क्या है। देखो इनर्सिया ऑफ रेस्ट क्या है ना, इट इज अ इनएबिलिटी ऑफ बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट मूव बाई इट्सेल्फ। इट कैन नॉट मूव बाई इट्सेल्फ इफ अ बॉडी एट रेस्ट, देन इट इज अ इनएबिलिटी ऑफ बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट मूव बाई इट्सेल्फ। अपने आप से वो नहीं चल सकता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्सिया ऑफ रेस्ट। इनर्सिया ऑफ रेस्ट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इनर्सिया ऑफ रेस्ट। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे, वो अपने आप से नहीं चल सकता, उसको इनर्सिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। इनर्सिया ऑफ मोशन क्या है, कोई भी बॉडी मोशन में है, ठीक है। इफ अ बॉडी एट मोशन देन इट इज अ इनएबिलिटी ऑफ बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट बिकम एट रेस्ट बाई इट्सेल्फ। इट कैन नॉट बिकम एट रेस्ट बाई इट्सेल्फ, ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्सिया ऑफ मोशन। इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन ये है ना, इट इज अ इनएबिलिटी ऑफ बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज इट डायरेक्शन बाई इट्सेल्फ। तो अब ना कुछ एग्जांपल से तुम लोग को ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तो तुम लोग को फील नहीं आया होगा, अब कन्फर्म अभी फील नहीं आया होगा तुम लोग को जो हम बताना चाह रहे हैं तुम लोग को, ठीक है। लेकिन कुछ एग्जांपल है जिससे, जिसको कि तुम समझोगे तो फील आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इनर्सिया ऑफ रेस्ट का कुछ एग्जांपल लेते हैं, फिर मोशन का लेंगे, फिर हम लोग किसका लेंगे बच्चों, डायरेक्शन का लेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इनर्सिया ऑफ मोशन का एग्जांपल लेते हैं। देखो क्या है ना, जब तुम बस पे बैठे हुए हो, ठीक है, सभी फील किए होगे, बस पे तो सभी बैठे हो तो सभी फील किए होगे ये चीज़। बस पे तुम बैठे हुए हो और बस क्या होती है, चलती है, स्टार्ट होती है चलना। बस स्टार्ट होती है क्या बच्चों, चलना बस स्टार्ट करती है। ठीक है, बस पे बैठे हो, बस चलना स्टार्ट करती है। तो जैसे ही बस चलना स्टार्ट करती है तो बताओ तुमको एक जर्क सा लगता है, सभी को लगता है, क्या होता है, तुम्हारी बॉडी पीछे जाती है कि आगे जाती है, बता सकते हो कोई, पीछे जाती है कि आगे। बस जैसे चलता है, जैसे बस स्टार्ट होता है चलना, बस रुकी हुई थी चलना स्टार्ट होता है, एक झटका सा लगता है, किधर लगता है, पीछे कि आगे। मेरे ख्याल से जब हम बैठे रहते हैं बस चलता है तो ऐसे होता है, बॉडी ऐसे होता है। ऐसे क्यों होता है वो हम बताते हैं, देखो क्या होता है इसका रीजन। तुम बस पर बैठे हुए ऐसे बैठे हो ना, देखो बस पे तुम ऐसे बैठे हुए हो, ठीक है, ये दो पैर, ये दो हाथ, ये बस है, जो भी ये बस का एक सीट था तो हम ये बना दिया। तो देखो जब बस चलती है ना तो होता क्या, सुनो हम एक बार बताते हैं। जब बस रुकी हुई थी तुम्हारी पूरी बॉडी रुकी हुई थी, बस भी रुका हुआ तो पूरी बॉडी भी रुकी हुई थी। बस जैसे ही स्टार्ट करती है यहाँ से चलना, बस जैसे ही चली तो बताओ बस का जितना भी पार्ट है, बस का ये पार्ट सब कुछ चलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बस से सभी क्या कनेक्टेड है, तो सब पे फोर्स लगा, सब चलने लगेगा, ठीक है। अब देखो जो तुम्हारा लोअर पार्ट है ना, वो सीट पे क्या अटैच, ये जो लोअर पार्ट है वो सीट पे क्या अटैच, जो तुम्हारा लोअर पार्ट है वो सीट पे क्या है, जो बस का सीट है उस पर टोटली टच है ना, टोटली क्या बच्चों, टच है, ठीक है, टोटली क्या है बच्चों, टच है, ठीक ना। तो सीट पे अगर टच है पूरी की पूरी बॉडी, तो जब बस चली तो पूरी बॉडी नहीं, सॉरी लोअर पार्ट जो है टच है बस के साथ, तो जब बस चली तो लोअर पार्ट भी क्या होगा, चल देगा। लेकिन जो तुम्हारा ऊपर वाला पार्ट है, जो ये पार्ट दिख रहा है तुम्हें, ये बस में टच है क्या, नो सर, ये तो बस में टच हो तो हवा में, बस में जब बैठते हो तो टच क्या होता है, पैर और ये पैर यहाँ से लेके पूरा ये पार्ट क्या होता है, टच में होता है जब तुम बैठते हो, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट टच में होता है नहीं।
जब बस चलना स्टार्ट की तो जो भी बस के साथ कनेक्टेड जितने भी पार्ट्स हो गए सभी चल देंगे, क्योंकि सभी फोर्स लगा तो ये सभी चल देंगे। लेकिन ऊपर वाला जो पार्ट हो वो क्या इनर्सिया ऑफ रेस्ट पे, वो बच्चों क्या इनर्सिया ऑफ रेस्ट पे, पता चला क्यों? क्योंकि ऊपर वाले पे तो फोर्स लगा ही नहीं, क्योंकि वो तो बस में कनेक्ट था ही नहीं। तो होगा क्या, बस जब चलेगी तो तुम्हारा पैर तो चल देगा, तुम्हारा पैर चल देगा, लेकिन ये ऊपर वाला बॉडी तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि इनर्सिया ऑफ रेस्ट पे। तो जब वो नहीं चलेगा तो एक बात बताओ, कोई बंदा तुम्हारा पैर खींच दे, ऐसा ही हो रहा ना यहाँ पे, एक बंदा पैर पकड़ के खींच दिया, पैर पकड़ के क्या हो गया, खींच दिया। अगर पैर पकड़ के खींचेगा तो तुम्हारा, अगर कोई तुम्हारा पैर पकड़ के खींचेगा, तुम चेयर पे बैठे हुए अपने भाई या अपने बहन जो भी है घर पे, ठीक है, उनको बोलना ना कि पैर पकड़ के खींच दो, तो देखो किधर गिरोगे। पैर पकड़ के चेयर पे बैठो, पैर पकड़ के कोई खींचेगा तो तुम पीछे जाओगे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होता है, क्योंकि अपर पार्ट जो बॉडी का होता है वो बस के कांटेक्ट में नहीं होता। व्हेन बस, अगर आंसर पूछा जाएगा तो कैसे लिखोगे, व्हेन बस स्टार्ट लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी भी इज कांटेक्ट विथ दी, लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी इज कांटेक्ट विथ दी बस सीट, ठीक है। सो व्हेन द बस स्टार्ट लोअर पार्ट ऑल्सो स्टार्ट टू मूव बट अपर पार्ट ऑफ बॉडी इज नॉट कॉन्टैक्ट विथ द बस, ठीक है। सो इनर्सिया ऑफ, सो ड्यू टू इनर्सिया ऑफ मोशन अपर पार्ट लीन बैकवर्ड, वो पीछे की ओर चला जाता है। ये इनर्सिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है, बात समझ में आया। देखो एक ना बहुत अच्छा ना वो हम जैसे मैं स्कूल में जब था ना, तो स्कूल में चिल्ड्रन डे के दिन हम लोग स्टॉल लगाते थे स्कूल में, और पेरेंट्स सभी के आते थे और भी स्टूडेंट आते थे, जो कुछ लोग स्टॉल लगाते थे तो लिमिटेड स्टॉल था, तो मैं भी एक स्टॉल लगाता था। तो उसमें चिल्ड्रन डे के दिन सभी बच्चों को स्टॉल लगाने का मौका मिलता था, ठीक है ना। स्टॉल में तुम कुछ भी रख सकते हो, गेम रख सकते हो, स्नैक्स रख सकते हो, और भी कई चीज़ रखे जा सकते थे। तो पेरेंट्स शाम के टाइम जो होता था ना, जो इवनिंग टाइम होता था, उस समय पेरेंट्स आते तो पूरा पार्टी चलता था उस तरह से। तो उसमें ना मैं अपने सर से पूछा कि सर कौन सा गेम रखे, तो उस समय तो मैं बच्चा था तो मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या करना है। तो वो बोले ना कि क्या करो ना नवीन, एक बॉल लो, बॉल, ठीक है, उसमें एक पेंसिल रख दो, उसमें क्या रख दो, ऐसे पेंसिल रख दो, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ, मान लो ये बॉल है, ठीक है, इस पर बोले कि बॉल में ना रेत भर देना, रेत भर के उसके अंदर पेंसिल गाड़ देना, उसके ऊपर एक क्या ना कॉइन रखना, उसके ऊपर क्या रखना, एक कॉइन रखना, ठीक है, कॉइन रखना। और बॉल बहुत बड़ा नहीं था, बॉल बहुत छोटा था, बॉल बहुत छोटा था, उसके ऊपर बोलेगा, इसके ऊपर बोला गया कॉइन रखने के लिए। फिर मुझे क्या बोला गया कि जब तुम इस पर कॉइन रख देते हो ना, तो उसके बाद जो भी होंगे उसको ये बोलना, समझ में आया, ये बॉल था, इसके अंदर रेत भर दिए, उसमें ऐसे रख दिए और उसके ऊपर कॉइन रख दिए, इसके ऊपर क्या रख दिए, कॉइन, ठीक है, इसके ऊपर, ये तो अभी गिर रहा है, उसको रेत था तो गिरता नहीं, इसके ऊपर कॉइन रख दिए। अब बॉल बहुत बड़ा नहीं था, बहुत छोटा बॉल था। अब सबको ये बोलना था, जो चैलेंज था ये था कि आपको ना पेंसिल पे, पेंसिल पे मारना क्या है, न्यू पेंसिल लोगे तो न्यू पेंसिल के ऊपर देखते हो स्मूथ होता है न्यू पेंसिल में, और उसके ऊपर कॉइन था। तो बोला गया आपको ना इस पेंसिल पे मारना है, ठीक है, पेंसिल पे मारना है, और ये जो ऊपर कॉइन है उसको इस बॉल से बाहर गिराना है। बॉल बहुत छोटा था, सबको लगा ये तो हम आराम से कर लेंगे, जिसको फिजिक्स का नॉलेज नहीं होगा वो यही सोचेगा ये तो आराम से हो जाएगा। और हुआ क्या ना, गिफ्ट हम बहुत महंगा महंगा रख दिए थे, क्योंकि है ना मेरे दोस्त के फादर का जो था गिफ्ट का दुकान था, बहुत बड़ा दुकान था, तो हम लोग को कॉन्फिडेंस था, हम लोग बहुत बार ट्राई करके देखे कि गिरता है कि नहीं, तो हम लोग देखे कभी नहीं गिरता। इसका रीज़न मेरे को नहीं पता था कि क्या था इसका रीज़न, आप पता है बोले वो अलग बात है। फोर्थ क्लास में हमें लगाया था स्टॉल फोर्थ क्लास में, तो उसका रीज़न मेरे को नहीं पता था, लेकिन हम लोग कई बार करके देखे कभी नहीं ऐसा हुआ। तो हम लोग बहुत महंगे महंगे गिफ्ट ले आए, मतलब सोचो तो है ना 4,000-5,000 इस तरह का गिफ्ट रख दिए थे, बहुत महंगे महंगे, पूरे जितने भी स्टूडेंट लोग स्टॉल लगाए थे उसमें सबसे महंगा जो गिफ्ट रखे थे हम ही लोग रखे थे। बाकी स्टूडेंट सोच भी रहे थे ये लोग इतना बड़ा रिस्क कैसे ले रहा है। तो हम लोग के स्टॉल में सबसे ज़्यादा भीड़ था, और चैलेंज क्या था, कॉइन को बाहर गिराना, ये तो कोई भी कर सकता था, ये तो कोई भी कर सकता था, लगता है ये कोई भी कर सकता है, लेकिन वो लोग जब है ना सब आ रहे थे, सभी पूरा लाइन लगा हुआ था, ठीक है, वो मार रहे हो कॉइन गिर ही नहीं रहा। वो कॉइन जो है ना गिर तो रहा है, लेकिन कॉइन जो है वो बॉल के बाहर नहीं जा रहा, बॉल के अंदर ही गिर रहा है हर बार, जबकि बॉल बहुत छोटा, फिर भी हर बार कॉइन जो है बॉल में ही गिर रहा है हर बार कॉइन, ठीक है। अगर कोई दो लोग भी जीत जाता ना तो हम लोग को बहुत बड़ा नुकसान हो जाना था, क्योंकि हम लोग टिकट जो रखे थे 20 रुपीज़ का रखे थे, और जो गिफ्ट था 5,000 का था, और लंबा लाइन लगा हुआ था, तो सभी देख रहा नहीं हुआ। तो उस दिन हम लोग अर्निंग बहुत की। अब क्यों नहीं गिरा उसका रीज़न हम तुम लोग को बता देते। देखो क्या, जो कॉइन रखे हुए थे ना वो स्मूथ सरफेस पे था, तो कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, कॉन्टैक्ट तो तुम्हें दिख रहा है, कॉइन इसमें टच था, लेकिन फ्रिक्शन हल्का सा भी नहीं था उन दोनों में,
फ्रिक्शन नहीं होता है उन दोनों में, तो क्या होता है ना, तुम इस पर अगर फोर्स लगाओगे ना तो ये दोनों आपस में चिपका थोड़ी ना, जैसे तुम्हारा पैर उसमें चिपक जाता है, चिपक इन द सेंस ये फेविकॉल की तरह नहीं लेकिन इतना चिपक जाता है कि उसके साथ चल दे, ठीक है, क्लियर है। लेकिन उसमें ना दोनों स्मूथ होता है तो फ्रिक्शन बहुत कम होता है दोनों में, तो ये दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में दिखता है लेकिन होता नहीं क्योंकि फ्रिक्शन बहुत कम होता है। तो जब तुम इसको मारोगे तो फोर्स तो तुम इस पर लगा रहे थे पेंसिल पे, और कॉइन पे तो फोर्स ट्रांसमिट हो ही नहीं रहा था। फोर्स ट्रांसमिट होता कब है, जब दोनों में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो तो फोर्स ट्रांसमिट होता है, ऐसे फोर्स ट्रांसमिट नहीं हो सकता, ठीक ना। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे देखो ये है ना, ठीक है, कोई स्मूथ चीज़ होता है, जैसे ये है देखो, हम इसको अगर ले जाते हैं, ठीक है, इसको देखना ले जाते हैं, इसको ले जा रहे थे, यहाँ से स्लिप कर जा रहा है, देखना स्लो मोशन में ऐसे हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है। क्यों ऐसे हो रहा है, क्योंकि इसको तो साथ जाना चाहिए था, अगर हम बहुत तेज़ ले जा रहे हैं, इसको हम बहुत तेज़ ले जा रहे हैं तो इसको साथ, ये तो बहुत धीरे ले जा रहे तो साथ जा रहा है, ठीक है। देखो ये स्मूथ है, अगर बहुत तेज़ तुम इसको ले जाओगे ना तो ये यहीं पे गिर जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ना इन दोनों में फ्रिक्शन है, उतना बहुत कम भी नहीं लेकिन थोड़ा बहुत है, इसलिए धीरे ले जा रहे तो साथ चल रहा है लेकिन बहुत कम फ्रिक्शन है, थोड़ा फ्रिक्शन है इसलिए। और वो जो क्वाइन और वो होता है ना, क्वाइन और पेंसिल में फ्रिक्शन एकदम ना के बराबर होता है बच्चों, उसमें फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, ना के बराबर होता है, ठीक है। तो होता है क्या, तुम फोर्स जो है इसमें लगाते हो ना इसमें, लेकिन क्वाइन में तो फोर्स लगा नहीं क्योंकि उन दोनों में फ्रिक्शन बहुत कम है तो कॉन्टैक्ट बना नहीं पाता है। तो जब तुम फोर्स इसमें लगाते हो तो ये तो ऐसे घूम जाता है, लेकिन क्वाइन बताओ इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वहीं रह जाता है। क्वाइन जो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, यहाँ पे क्वाइन पहले था तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण क्वाइन जो है यहीं पे रह जाता है, वो नीचे गिरता ही नहीं, क्वाइन जो है यहीं पे रह जाता है, नीचे गिरता है मतलब वो उधर नहीं जा पाता। देखो इनर्शिया ऑफ, ये जब तुम इस पर फोर्स मारे थे ये तो इधर हो गया, क्वाइन जो उधर नहीं जाता क्यों, क्योंकि क्वाइन पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा था। ये तो मारकर नहीं इधर चला गया था, अब क्वाइन हवा में थोड़ी ना रहेगा, ग्रेविटी तो उसको खींच लेगा तो वो यहीं पे गिर जाता है। तुम इसको मारे ऐसे, अब ये तो इधर हो गया, ठीक है। अब कोई सब सोचता है कि इसके साथ क्वाइन भी फोर्स लगा उधर गिरा, नहीं गिरता क्योंकि क्वाइन वहीं रह जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं था। तो अब वो क्या होता है, क्वाइन ग्रेविटी के कारण यहीं गिर जाता है, बाहर गिर जाता है नहीं। तो यही कॉन्सेप्ट है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण हर बार वो चीज़ ऐसा हो रहा था, ठीक है। तो ये एग्जांपल भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग उस दिन बहुत ज़्यादा अर्निंग किए थे, बहुत ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट बहुत कम था और अर्निंग बहुत ज़्यादा था। जो भी गिफ्ट हम लोग लिए थे दोस्त के दुकान से वो सभी वहाँ जाके वापस कर दिए, क्योंकि हम लोग कुछ खरीदे नहीं थे गिफ्ट में, वो सब जाके बस अंकल जी को बोल देते, अंकल जी देखिए कोई भी गिफ्ट जाना नहीं, आप मेरे को दे दीजिए 4 घंटे के लिए, मैं एज इट इज आपको वापस कर दूंगा, ठीक है। तो बहुत कमाई हुआ था उसमें। तो ये हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में पढ़े। अब इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, बस वाले एग्जाम्पल पे ही आते हैं, ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में समझाने के लिए। बस मान लो मोशन में, ठीक है, बस मोशन में, ब्रेक मार दिया बस, तो बताओ जो बस अगर मोशन में, तो लोअर पार्ट भी मोशन में होगा, अपर पार्ट भी मोशन में होगा। अब बोलोगे सर कैसे, देखो क्या है ना, जब ये स्टार्ट हुआ तो ये जब पैर खींचा इसका, तो अब ऐसा थोड़ी ना ये बॉडी कट के पीछे चला जाएगा, ऐसा थोड़ी ना, जब ये पैर खींचा तो अब हड्डी तो कनेक्टेड है ना एक दूसरे का, तो थोड़ी देर बाद ये फिर हड्डी कनेक्टेड है तो वो क्या होता है, उसको फिर दोनों मोशन में आ जाता है, लेकिन शुरुआत में नहीं आता, क्योंकि शुरुआत में ऐसे पैर को खींचा तो ये पीछे हो गया, तो फिर तो थोड़ी देर बाद चलने लगेगा ना साथ में, ऐसा ही होता है ना। तो मान लो अगर बस मोशन में है, तो मोशन में है बस, तो दोनों पार्ट मोशन में होगा, ये भी मोशन में, ये भी मोशन में, अपर पार्ट भी, लोअर पार्ट भी। जब बस ब्रेक मारा तो बताओ लोअर पार्ट जो है बस से कनेक्टेड है, तो जब ब्रेक मारा बस तो लोअर पार्ट बस के साथ रुक जाएगा, क्योंकि बस क्या है, बस के साथ कनेक्टेड है कौन, लोअर पार्ट। तो जब बस आगे, बस चलते चलते ब्रेक मारा तो बस रुका, बस में हर पार्ट रुक गया, ये सीट भी रुक गया, सीट में कनेक्टेड है तुम्हारा पैर, तो पूरा लोअर पार्ट भी क्या हो गया, रुक गया, लेकिन अपर पार्ट अभी भी क्या है, कनेक्टेड नहीं था, तो अपर पार्ट अभी भी क्या है, मोशन में, क्योंकि उस पर तो फोर्स लगा ही नहीं क्योंकि कनेक्टेड नहीं था, तो अपर पार्ट अभी भी मोशन में, लोअर पार्ट रुक गया था। बताओ क्या होगा, बताओ तुम्हारा कोई पैर पकड़ ले, तुम आगे निकल जाओ, पैर तुम्हारा कोई, जैसे तुम चलते हो ना, तुम्हारा कोई पैर पकड़ ले तो ऐसे गिरते हो ना, क्यों, क्योंकि पैर पीछे रह गया, तुम आगे चले गए। तो वैसे ही होता है ना, जब ब्रेक मारता है तो देखो, कभी ब्रेक जब मारता है बस, तो ऐसे होता हो ना, तो उसका रीजन यही है, ठीक है। तो इसको आंसर में कैसे लिखोगे, व्हेन बस इज एट मोशन, ठीक है, बस इज, इफ अ पर्सन इज सिटिंग इन अ बस एंड बस इज मूविंग, व्हेन द ड्राइवर अप्लाइड ब्रेक, देन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद द बस सीट, सो व्हेन बस अप्लाइड ब्रेक, लोअर पार्ट इज कॉन्टैक्ट विद द बस, लोअर पार्ट जो हो जाएगा, हाँ, लोअर पार्ट इज कॉन्टैक्ट विद द बस, सो लोअर पार्ट इज स्टॉप्ड
बट अपर पार्ट इज नॉट कॉन्टेक्ट विद द बस, सो टेंडेंसी ऑफ अपर पार्ट ये ड्यू टू इनर्सिया ऑफ मोशन अपर पार्ट रिमेन एट मोशन, सो बॉडी लीन फॉरवर्ड। ये बात समझ में आ गया तुम लोग को? तो ये तुम्हारा क्या इनर्सिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। अच्छा, इनर्सिया ऑफ रेस्ट के और भी कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे कम्बल ठंडे में देखते हो, कम्बल को अगर ना कम्बल जो होता है आप धो तो नहीं सकते, जो ब्लैंकेट सब होता है उसको धो तो नहीं सकते ना रोज़ रोज़, तो क्या होता है हम लोग कुछ कुछ दिन में ब्लैंकेट पे है ना डंडे से ऐसे मारते मारते देखो ना सभी को, तो वो साफ़ हो जाता है। कैसे? देखो, जब ब्लैंकेट पे तुम मारे, ब्लैंकेट में कई सारे डस्ट है, अब जब तुम ब्लैंकेट को मारे तो डस्ट जो है ब्लैंकेट को मारे तो ब्लैंकेट पे तो फोर्स लग गया तो वो तो ब्लैंकेट ऐसे हो जाएगा, लेकिन डस्ट इनर्सिया ऑफ मोशन रेस्ट के कारण वहीं रुका रहेगा। इसको मारे तो ये तो ऐसे हो गया, डस्ट तो यहाँ पे डस्ट था, मान लो ये डस्ट है, ये डस्ट है, तो जब तुम ब्लैंकेट पे फोर्स मारे तो ये तो ब्लैंकेट इधर हो गया, लेकिन डस्ट तो वहीं रुका रह गया ना, तो डस्ट इधर रुका रह गया तो अब डस्ट ग्रेविटी के कारण क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ठीक है, ये था, इस पर डस्ट लगा हुआ था, जैसे मान लो ये इस पर डस्ट लगा हुआ, नहीं लग पा रहा डस्ट, मान लो हम किसी तरह हल्का सा फंसाने की कोशिश करते हैं, देखो ये मान लो डस्ट ही है, तो जब ब्लैंकेट को ऐसे मारे देखे तो ये तो इधर चला गया, लेकिन ये डस्ट तो नीचे गिर जाएगा ना जैसे ये गिरा, तो वो भी इनर्सिया ऑफ रेस्ट के कारण होता है। अब सर रेस्ट का मोशन समझ नहीं आ रहा क्या, कब रेस्ट का मोशन, तो बताता हूँ मैं क्या, जो पहले होता है ना पास्ट में जो चीज़ था वही इनर्सिया, जैसे बस चली तो पास्ट में तुम दोनों क्या थे, रुके हुए थे ना, तुम्हारा बॉडी क्या था, रुका हुआ था, और बस चली तो प्रेजेंट में बस चल दी तो पास्ट में तुम क्या थे, रुके हुए थे, तो जो भी इफेक्ट हो रहा है वो क्या होगा, पास्ट के कारण, तो पास्ट में क्या थे तुम, रुके हुए थे, तो रुकने का मतलब रेस्ट, तो इनर्सिया ऑफ रेस्ट लगेगा। अब बस चल रही है, बस चल रही, वो ब्रेक मार दिया तो बस रुक गई, बस रुक गई तो प्रेजेंट कंडीशन है, पास्ट में क्या थे, बस मोशन में थी, तो अब बस मोशन में थी, तो जो अब इफेक्ट होगा उसको क्या बोलोगे, इनर्सिया ऑफ मोशन। पास्ट वाले को हम लोग याद रखते हैं, बस रुकी हुई थी, बस चली, चली अभी ना, तो पास्ट में क्या थे, रुकी हुई थी, तो क्या बोलोगे, इनर्सिया ऑफ रेस्ट के कारण बॉडी पीछे गई। बस चल रही है, बस ब्रेक मार दी, बस रुक गई, बस रुक गई प्रेजेंट में, पास्ट में क्या थी, बस चल रही थी, तो बॉडी फॉरवर्ड क्यों हुआ, पास्ट में बस चल रही थी, तो क्या बोलोगे, मोशन, मोशन थी शुरुआत पास्ट में, तो इनर्सिया ऑफ मोशन वर्ड यूज करो। ये ब्लैंकेट में ऐसे ब्लैंकेट को मारे, ब्लैंकेट मोशन में, पास्ट में ब्लैंकेट क्या था, रुका हुआ था, तो डस्ट पार्टिकल भी रुका हुआ था, तो उसको क्या बोलेगा, इनर्सिया ऑफ रेस्ट। ओके ठीक है, अब आते हैं इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन देखो क्या है ना, कार पे बैठे होगे तुम लोग, कभी कार अगर है ना ऐसे टर्न लेता है, कार ऐसे जा रहा है, कभी कार ऐसे टर्न लेता है तो देखो एक झटका सा लगता है बाहर की ओर। ठीक है, तो होता क्या, देखो क्या है ना, जब यहाँ पे मान लो यहाँ पे तुम बैठे हुए हो, ये चला रहे हो कार, ये मान लो बैठे हुए चला कोई और रहा है, यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे दरवाज़ा है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे दरवाज़ा है, कार ऐसे जा रही थी तो तुम्हारा भी टेंडेंसी क्या है इधर जाने का, इधर झटका लग गया, ये कार इधर घूम गई, तो कार इधर घूमी तो लोअर पार्ट तो तुम्हारे बॉडी का इधर घूम जाएगा क्योंकि कॉन्टैक्ट में, अपर पार्ट जो है कार पहले इधर जा रही थी तो अपर पार्ट अभी भी किधर टेंडेंसी उसको इधर जाने का, तो कार इधर घूम गई, अब तो दरवाज़ा किधर है तो इधर, और अपर पार्ट कहाँ जाना चाहता है अभी भी क्योंकि कॉन्टैक्ट में नहीं था, तो वो किधर जाना चाहता है, इधर, तो बताओ दरवाजे से बाहर निकल जाएगा ना, रियल में निकल जाता, लेकिन हम लोग पकड़ लेते ना कोई भी चीज़ को। ये मान लो अब तुमको अगर ये एक्सपेरिमेंट करना तो बताते क्या करो, कार का दरवाज़ा खुला रखना, अब बोल देना ड्राइवर को टर्न लेने, टर्न लेना, देखो तो कार का दरवाज़ा खुला, तुम सबको छोड़ देना, देखो सीधे कार के दरवाजे से बाहर, खतरनाक, समझ में। तो ये चीज़ क्यों हो रहा है, देखो पहले वो बॉडी किधर जा रही थी, इधर, तो इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन के कारण वो बॉडी हमारे को टेंडेंसी क्या है, सीधे जाने का, ठीक है, और ये टर्न मारा तो कार जब टर्न मारा तो लोअर पार्ट बॉडी का कॉन्टैक्ट में, बाकी जितने भी पार्ट है मतलब कार का हर पार्ट है ना कार के कॉन्टैक्ट में ही होगा, लोअर पार्ट हमारा जो लोअर पार्ट है वो कॉन्टैक्ट में, तो कार जब ऐसे टर्न ली तो लोअर पार्ट तो टर्न ले लिया, लेकिन अपर पार्ट के अभी भी किधर जाना चाहेगा, सीधा, और कार ऐसे टर्न लिया तो इधर जाना चाह रहा था, ये ऐसे हो गया अगर तो यहाँ ये जाना इधर चाहता है, इधर क्या था दरवाज़ा, तो जाएगा दरवाजे से बाहर ही निकलेगा ना। ठीक है, तो ये था क्या, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन के और भी कई सारे एग्जांपल है, जैसे क्या होता है, क्या बोलते हैं, मड, मड में कभी टायर घूमता है तो देखना, कभी मड, मान लो ये मड है, मड में अगर कोई टायर, देखो मड में अगर ये है ना टायर मान लो, ठीक है, तो मड में क्या होता है, जब टायर ऐसे घूमता है तो टायर में यहाँ पे कीचड़ फंस जाता है, कीचड़ फंसने के कारण अब ये टायर तो घूम रहा है
लेकिन कीचड़ फंसने के कारण क्या होता है, टायर तो घूम रहा है लेकिन चिपक, तो कीचड़ जो बहुत ज़्यादा थोड़ी ना चिपक जाता है, तो टायर का हर पार्ट तो घूमेगा क्योंकि उसको घुमा कौन रहा है, उसमें एक्सल जो होता है वो उसको घुमा रहा है, ठीक है, इंजन के कारण ये घूम रहा है, ठीक है, इंजन रोटेट होता है एक्सल कनेक्शन से ये घूम रहा है, लेकिन ये मड जो यहाँ लगा था वो तो यहाँ पर जाके छूट जाता है ना, क्योंकि अब ये इधर अगर गया मड, ये टायर तो इधर घूम गया लेकिन मड थोड़ी ना इधर घूमेगा क्योंकि वो उसमें चिपका थोड़ी ना था। तो वो देखो मड का टेंडेंसी क्या है इधर जाने का, मड का टेंडेंसी क्या है, अब देखो क्या होता है यहाँ पर, ये टायर इधर गया तो टायर में क्या होते हैं ग्रुप्स होते हैं ना, ग्रुप्स के अंदर मड फंस गया, ठीक है, तो ग्रुप्स के अंदर मड अगर फंस गया, यहाँ पे ग्रुप्स होते हैं ऐसे होते हैं ग्रुप्स, तो ग्रुप्स के अंदर तो मड फंस गया ठीक है, तो यहाँ पे तो ये नीचे नहीं गिरेंगे, यहाँ पे नीचे नहीं गिरेंगे क्योंकि यहाँ पे ग्रुप है, ग्रुप के वहाँ पर उसको रुकने का रास्ता मिल गया ना, लेकिन जब अब इधर की ओर जब ये घूमेगा, इधर की ओर घूमेगा तो इसका ये मड यहाँ पे जो मड है उसकी टेंडेंसी क्या है, अब बताओ सीधे जाने की, लेकिन ये टायर तो घूम गया लेकिन मड का टेंडेंसी क्या है सीधे जाने का, तो टायर तो घूम जाता है लेकिन मड क्या होता है इधर भाग जाता है, तो देखना कभी भी टायर घूमता है तो मड क्या होता है ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, क्योंकि ग्रुप अगर मान लो कुछ मड्स ग्रुप में नहीं फंसते हैं तो यहाँ पर है तो टायर तो इधर चला गया लेकिन मड का टेंडेंसी क्या है इधर जाने का, क्योंकि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण ये इधर ही जाएगा, तो ये टायर घूमता है तो मड ऐसे ऐसे जाता है, क्यों यहाँ तक जाता है, क्यों, क्योंकि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण मड क्या होता है अपने डायरेक्शन में रह जाता है, क्योंकि वो टायर के साथ चिपका तो नहीं है ना, तो फोर्स तो टायर पे लग रहा है, इस पर थोड़ी ना लग रहा है, मड पे थोड़ी ना लग रहा है, तो मड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण इधर चला जाता है, टायर क्यों नहीं जाता, क्योंकि टायर को तो ज़बरदस्ती घुमाया जाता है, समझ में, उसी तरह जब है ना तुम ये क्या बोलते हैं चाकू जो होता है उसको अगर धार करवाने जाते तो देखते चिंगारी ऐसे ऐसे जाता है, वो घूमता है चिंगारी ऐसे जाए, क्योंकि वो तो घूम जाता है क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा है, लेकिन चिंगारी तो उसमें टच में नहीं है ना, तो चिंगारी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण बाहर निकल जाता है क्योंकि उसकी टेंडेंसी सीधे जाने की, समझ में। अगर ये एक्सपेरिमेंट करना तो एक बताते हैं एडवेंचर कर लेना, जब मजा आए तो जब मन करे तब कर लेना, ये इसको शायद कुछ बोलते हैं जॉइंट व्हील बोलते हैं ना, जॉइंट व्हील ऐसे घूमता है, तो जब टॉप पर रहेगा ना तो जॉइंट व्हील को छोड़ देना, दरवाज़ा खोल देना, टॉप पर रहेगा जॉइंट, अब ऐसे करना मत, ऐसे ही मजाक में बोल रहा, अगर फील करना हो कभी फिजिक्स फील नहीं हो रहा तो फील जाके कर सकते हो, जॉइंट व्हील अगर ऐसे घूम रहा है तो बता इस यहाँ पे जब इस पॉइंट का टेंजेंट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना, अगर ऐसे घूम रहा है तो इस पॉइंट का डायरेक्शन किधर है, इधर, अगर तुम यहाँ पे छोड़ दोगे अभी क्यों नहीं तुम गिरते हो, क्योंकि तुम पकड़े रहते हो जॉइंट व्हील के किसी ना किसी पार्ट को, तो ये अगर घूमेगा तो तुम्हारा हाथ भी घूमेगा, तुम जिस चीज़ को पकड़े हुए हो वो भी घूमेगा, और जो चीज़ को तुम पकड़े हुए वो तुम्हारे हाथ को घुमाएगा, तो तुम इसके साथ घूम रहे हो क्योंकि फोर्स लग रहा है, अगर तुम ना पकड़े रहो यही दरवाज़ा खोल दो तो जॉइंट व्हील तो घूमेगा, ये घूमेगा क्योंकि ये सभी कनेक्टेड है, फोर्स लग रहा है, तुम तो हवा में आ गए ना, नीचे वाला थोड़ा सा पैड कनेक्टेड होगा तो इस कारण से थोड़ा सा चिपके रहोगे, लेकिन इतना भी ज़्यादा चिपक नहीं सकते कि तुम बाहर ना जा पाओ, तो जैसे मड भी तो हल्का फल्का चिपका रहता है लेकिन इतना ज़्यादा चिपक नहीं पाता कि वो बाहर ना जा पाए, तो अब बताओ जब यहाँ पे तुम्हारी टेंडेंसी इस जगह पे किधर जाने की है, क्योंकि इसका टेंजेंट इधर इधर जाने की, और ये जॉइंट व्हील ऐसे घूम रहा है तो जॉइंट व्हील घूम रहा है ना, तुम तो अभी कनेक्टेड नहीं हो ना, तो जॉइंट व्हील तो घूम जाएगा ऐसे, जॉइंट व्हील तो घूम जाएगा ऐसे, लेकिन तुम्हारी टेंडेंसी इधर जाने की इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण तो तुम इधर निकल जाओगे, और ग्रेविटी भी साथ लगेगा तो तुम ऐसे गिर जाओगे, अब इधर क्योंकि ये पहला वाला ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़े हो तो तुम इधर गिर जाओगे, क्योंकि तुम्हारी टेंडेंसी इधर जाने की थी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण, तो तुम बाहर गिर जाते हो, हम जो समझा रहे थे शायद समझ में आ गया होगा तुम लोग को, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बात समझ में, इनर्शिया का समझ में आ गया होगा हम क्या बताना चाह रहे हैं, अब देखो इनर्शिया से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, अच्छा एक बात तुम लोग को बता दो, थोड़ा अजूबा लगेगा, ट्रेन में ना किसी भी चीज़ को अगर तुम ऐसे ऐसे ले जा ऐसे है ना कैच करते हो ट्रेन में, ठीक है, ट्रेन में जब ऐसे कैच करते हो ठीक ना, तो रियल में क्या होता है ना, मान लो ट्रेन 80 की स्पीड से चल रही थी, तुम भी 80 की स्पीड से चल रहे हो, तुम्हारे हाथ में मार्कर हो वो भी 80 की स्पीड से चल रहा होगा, ऐसा ही होता है ना, तो देखो क्या है ना, जब तुम इसको ऊपर फेंकते हो तो जब तुम्हारे हाथ में था तो कितने की स्पीड से था, 80 से, जब तुम इसको ऊपर फेंकोगे तो भी उसकी स्पीड 80 होगी ना, जीरो थोड़ी ना हो जाएगी, जीरो होगी क्या, नहीं जीरो क्यों नहीं होगी, क्योंकि तुम जब ट्रेन पे थे तो तुम्हारे हाथ के तुम्हारा स्पीड भी 80 मीटर, तुम्हारे हाथ का भी स्पीड, तुम्हारे हाथ में मारकर उसकी भी स्पीड 80, अब जब तुम इसको फेंके तो इसकी स्पीड जीरो क्यों होगी, क्योंकि इस पर बॉडी एट मोशन रिमेन एट मोशन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, तो इस पर फोर्स कितना था 80,
मीटर पर सेकंड, तो क्या इस पर इधर कोई फोर्स लगा क्या ये रुक जाएगा? नहीं रुक सकता ना, ये नहीं रुक सकता। तो 80 मीटर पर सेकंड से जब तुम इसको फेंकते हो तो भी ये चलता है किधर की ओर? इधर की ओर। तभी क्या होता है देखो, अब अगर ये ना चलता 80 मीटर पर सेकंड से, तुम ऊपर फेंक दिए, तुम तो 80 से चल रहे हो और ये मान लो जीरो पे हो गया, तुम 80 से चल रहे हो और ये जीरो पर है। देखो यहाँ मार्कर को फेंके, तुम यहाँ पे थे, तुम मार्कर को फेंक दिए, तो मान लो ये जीरो पर है तो ये यहाँ से ऐसे ही गिर जाएगा ना, और ये 80 से चल रहा था, तुम तो इधर भाग गए क्योंकि बस आगे निकल गए, बस आगे निकल गए, तो बताओ वो तुम्हारे पीछे गिर जाता। लेकिन ऐसा होता है क्या? तुम मार्कर को फेंकते, तुम्हारे साथ मार्कर आगे, तुम मार्कर को अगर फेंके, तुम वहाँ पे खड़े होकर फेंक रहे हो और वो कैच में आ जाता है। ट्रेन 80 से चली, तुम भी 80 से चल रहे थे, अगर मार्कर रुक जाता है तो तुम 80 से चलो मार्कर जीरो से, तो वो फिर तुम तो आगे निकल जाते, वो पीछे गिरता। ये मान लो हाथ है, ये आगे निकल जाता और तुम यहाँ से फेंके थे, तो ये हाथ तो आगे निकल जाता और ये पीछे। लेकिन होता क्या रियल में देखो, तुम जब ऊपर फेंके, तुम 80 से चल रहे थे, जब फेंके मार्कर भी 80 से चल रहा था। अब दोनों की स्पीड बताओ, ये मार्कर को फेंके हो तुम यहाँ से, तो तुम 80 से चल रहे हो, अगर ये भी 80 से चल रहा है, तो बताओ थोड़ी देर बाद क्या होगा? तुम यहाँ पहुँचोगे, तुम फेंको तो मार्कर यहाँ, क्योंकि ऊपर वाली स्पीड तो इसकी तुम दिए हो, तुम यहाँ पहुँचोगे तो मार्कर आप अब ये नीचे आना स्टार्ट हुआ, यहाँ तुम अब यहाँ पहुँचे तो मार्कर यहाँ, तुम यहाँ पहुँचे तो मार्कर इस तरह से। देखो जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दोनों की सेम है, और ये वर्टिकल वेलोसिटी अलग क्यों? क्योंकि तुम फोर्स लगा के ऊपर फेंके थे। देखो जब ये यहाँ तो यहाँ यहाँ, तो अब बताओ जब ये गिरेगा तो इसके हाथ में ही गिरेगा ना, क्योंकि दोनों की हॉरिजॉन्टल स्पीड 80 की। समझे? क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? देखो सुनना, जब ये बात समझ में आ गया होगा तुम लोग को मेरे ख्याल से। अब देखो जब तुम ट्रेन से ना उतरते हो, चलती ट्रेन में क्यों नहीं उतरना चाहिए, ये चलती बस पे क्यों नहीं उतरना चाहिए? देखो क्या होता है, जब तुम दरवाजे से उतर लो, ठीक है, ये मान लो बस है, बस चल रही हो, दरवाजे से तुम उतरे, और तुम बस की स्पीड कितनी थी? 80 मीटर पर सेकंड। तुम्हारी स्पीड कितनी है? बस में ही बैठो 80 मीटर पर सेकंड। तुम जैसे ही गिरो जमीन पर पैर रखोगे, ठीक है, जमीन पर पैर रखोगे, तो एक बात बताओ तुम्हारी स्पीड कितनी थी? 80 मीटर पर सेकंड। जमीन पे तुम जैसे ही पैर रखे, जमीन पे पैर चिपक जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन है, चिपक जाएगा, लेकिन अपर पार्ट तो नहीं चिपकेगा ना, अपर पार्ट नहीं चिपकेगा। ये बस 80 से चल रही, तुम भी कितने से चल रहे हो बच्चों? 80 से चल रहे हो, ठीक है। अब जैसे तुम यहाँ से जंप मारे, जैसे तुम यहाँ से जंप मार के अर्थ पे पैर रखते हो, मान लो ये जैसे तुम यहाँ पे जंप मार के यहाँ पे पैर रखते हो, तो तुम्हारा पैर तो यहाँ चिपक जाएगा, लेकिन अपर पार्ट अभी भी कितने पे है? 80 मीटर पर सेकंड पे। तो अब जैसे ही तुम वहाँ पे जंप मारे, पैर तो है ना जमीन इस चिपका लेगा क्योंकि फ्रिक्शन है, लेकिन अपर पार्ट 80 से चल रहा है, तो बताओ 80 से अगर चल रहा है अपर पार्ट, पैर चिपक गया और 80 से चल रहा है अपर पार्ट, तो ये तुम्हारा अपर पार्ट है, ये तो 80 देखो ये चल रहा था, तुम पैर चिपका दिए, ये तो अभी भी 80 से चल रहा है क्योंकि ये तो नहीं चिपका, तो बताओ अपर पार्ट चलेगा और लोअर पार्ट चिपक गया, तो बताइए क्या हुआ? ऐसे करके गिर जाएगा, सर पड़ जाएगा, ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो इसलिए देखो क्या होता है, अब कुछ लोग का एक्सपीरियंस होता है चलती बस पर उतरने का, मान लो 80 मीटर पर सेकंड पे तो कोई नहीं उतर सकता, मान लो कम जब धीरे चल रहा है बस, तो वो क्या करता है ना, सबसे पहले जब वो उतरता है ना बस से, यही तरीका उतरने का, जब उतरता है ना बस से तो वो बस को पकड़ा रहता है, बस को पकड़ने के बाद वो एक पैर पहले बस से रोड पर रखता है, ठीक है। रखने के बाद आप बताओ बस पैर तो ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में आ गया, ठीक है, तो वो रुकता नहीं है, पैर को चलाता है, मोशन में रखता है, ठीक है। 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो बस, तो वो ग्राउंड पे जैसे रखता है उसको चिपकता है ग्राउंड पे, पैर शुरुआत में चिपकता है फिर बाद में मोशन, शुरुआत में चिपकता है, तो शुरुआत में अगर उसका पैर रेस्ट पे आ गया तुम्हारी बॉडी 20 से तो तुम गिर जाओगे, लेकिन यहाँ पे हाथ लगा हुआ है तो हाथ क्या करता है, तुमको सपोर्ट कर देता है, तुम नहीं गिरोगे, ठीक है। तो अब जब अगर बस आगे जा रहा है तो हाथ वो पकड़ा हुआ है तो वो नहीं गिरेगा, यही हाथ नहीं पकड़ के सीधे पैर रख देता है तो वो गिर जाता क्योंकि हाथ उसको सहारा नहीं देता। अब वो क्या करता है, जैसे ही रखता है उसके बाद वो क्या करता है, पैर को मोशन में लाता है, ठीक है, मोशन में लाता है, एक पहले एक पैर फिर दोनों पैर से मोशन में आता है, स्पीड बनाता है, पहले स्पीड बनाता है, अब उसकी स्पीड मान लो पैर की 10 मीटर पर सेकंड हो गई, तुम्हारी पूरी बॉडी की फिर 10 हो जाएगी ना, क्योंकि तुम भाग रहे हो ऐसे, 10 हो गई, ठीक है। अब अपर पार्ट का मान लो
20 स्पीड है भी तो 10 और 20 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना, तो झटका लगेगा लेकिन हल्का सा। लेकिन कोशिश ये करो ना कि बहुत ज़्यादा स्पीड पैर का करने के बाद हाथ छोड़ो। तो मान लो तुम्हारी पूरी बॉडी का स्पीड है ना 80 मीटर पर सेकंड और इसका 20 है, कौन सा बोलते हैं अपर पार्ट का, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना, ये 80 पे चल रहा है और ये नीचे वाला पार्ट, ये 20 पे चल रहा है, नीचे वाला पार्ट 18 पे चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, तो झटका कम लगेगा। वैसे 20 मीटर पर सेकंड बहुत ज़्यादा स्पीड होता है। किलोमीटर पर आवर में चेंज करो भाई, फोर जा 18 × 4 72 का स्पीड हो गया। तो 20 मीटर पर सेकंड पे भी नहीं उतरा जाता है, बहुत कम स्पीड। किलोमीटर पर आवर पे बोले तो 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर पर आवर पे तुम उतर सकते हो। तरीका वही जो हम बताए, पहले हाथ से पकड़े रहो, फिर पैर को थोड़ा स्पीड दो, स्पीड देने के बाद जब रिक्वायर्ड स्पीड तुम्हें मिल जाए फिर छोड़ दो, फिर झटका कम लगता है। बात समझ में आया? तो वो चीज़ है यहाँ पे। हाँ तो देखो क्वेश्चन कैसे आता है ना, देखो ये मान लो बस है, यहाँ पे कोई सीट है ठीक है, यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है और एक यहाँ पे उसका भाई ठीक है। बस चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से ठीक है। तो अब बताओ जब ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, मान लो ये एक एप्पल छोड़ता है ऊपर से, तो इसके हाथ पे गिरेगा कि नहीं, तो बताओ कैसे। ये एप्पल जब छोड़ा, ये इसका हाथ है मान लो, ये इसका हाथ है, तो एप्पल जब छोड़ा तो ये 20 से चल रहा है, ये भी कितने से चल रहा है 20 से, और ये नीचे वाला बंदा भी 20 से चला क्योंकि बस पे ये सभी। अब ये मैंगो भी कितने से चल रहा था 20 से, तो ये जब छोड़ेगा तो बताओ मैंगो कितने से चल रहा है 20 से, ये भी 20 से, तो इसके जस्ट नीचे ही गिरेगा ना, क्योंकि इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या है 0, तो इसके हाथ पे गिरेगा। लेकिन आप देखो क्या होता है, मान लो ना ये जैसे ही मैंगो छोड़ता है और बस क्या करता है ब्रेक मार लेता है, बस क्या करता है बच्चों ब्रेक मार लेता है जैसे ही मैंगो को छोड़ता है। तो बताओ जब ये छोड़ा तो इसकी स्पीड, चलो मान लो बस पहले 80 से चल रही थी 80 मीटर पर सेकंड से, और जैसे ही मैंगो छोड़ता है ये ब्रेक मार लेता है, तो बस की स्पीड बताओ अगले सेकंड क्या हो जाएगी, 70 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। बताओ अब ये मैंगो जब छोड़ा तो उस समय बस की स्पीड कितनी थी 80, तो मैंगो की स्पीड कितनी थी 80। अब जब बस को जैसे छोड़ता वो ब्रेक मारती 70 हो गई, तो बस की स्पीड अगले सेकंड में 70 हो गई थी। ये दोनों बस चिपका हुआ ना, कौन ये वाला पर्सन ए भी, पर्सन बी भी क्या है बस से चिपका हुआ, बस से क्या हुआ चिपका हुआ। तो अगर बस ब्रेक मारती है, अगर बस ब्रेक मारती है तो ये दोनों, अगर बस ये मैंगो है, मैंगो को तो छोड़ चुका है ना, छोड़ने के बाद ब्रेक लगा था, मैंगो की स्पीड 80 है। अब बस अगर ब्रेक मारती है तो ये बंदा ए और बंदा बी दोनों पर्सन ए और पर्सन बी तो बस से कनेक्टेड है, तो अगर 70 की स्पीड से बस हुई थी इन दोनों का स्पीड 70 हो जाएगा। लेकिन मैंगो का 70 होगा क्या, दिख रहा है सभी को, मैंगो का 70 होगा क्या, नहीं, क्योंकि मैंगो तो हवा में है तो वो तो बस के कांटेक्ट में नहीं है, तो उसकी स्पीड तो अभी भी 80 रहेगी। लेकिन ये दोनों तो कांटेक्ट में, इन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी 80 से कम हो जाएगी और 70 हो जाएगी। तो अब बताओ किसकी स्पीड ज़्यादा, मैंगो की ये इंसान का नीचे जो कैच करने वाला मैंगो का, तो मैंगो की स्पीड ज़्यादा और ये इंसान का कम, तो बताओ ये अगले सेकंड में क्या हो, मैंगो की स्पीड ज़्यादा तो आगे निकल जाएगा और ये पीछे रह जाएगा ना। पहले केस में क्या था, दोनों का स्पीड सेम था, तो ये मैंगो को जब नीचे गिराया तो मैंगो और ये दोनों सेम स्पीड पे चल रहा है, तो ऐसे इसको मिल गया। देखो जब बस कौन जब ब्रेक नहीं लगाता तो ऊपर से मैंगो गिरा, मान लो ये मारकर गिरा, तो दोनों ऐसे इसके हाथ में गिर गया क्योंकि दोनों की स्पीड क्या थी सेम। अब बताओ इसकी जो स्पीड है क्या हो गई, मैंगो जो छोड़ रहा है वो तो 80, क्योंकि ब्रेक मारने के बाद इसकी स्पीड कम हो गई ना, तो इसकी स्पीड ज़्यादा और इसकी स्पीड कम, तो ये क्या हो जाएगा, मैंगो गिर जाएगा किधर, आगे, मतलब जो बंदा है उसके आगे क्या हो जाएगा, जो पर्सन उसके आगे मैंगो गिर जाएगा। मतलब अगर कोई पूछेगा कि बताओ वो किधर गिरा होगा, वो मैंगो उसके हाथ में गिरा होगा कि उसके आगे गिरा होगा कि उसके पीछे गिरा होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैंगो उसके आगे गिरा होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बस।
हाँ अगर ये एक्सेलेट कर देता, अगर ये 80 से चल रहा था एक्सेलेट कर देता तो अगले सेकंड में इसकी स्पीड क्या हो जाती 90 मीटर पर सेकंड। जैसे ही मैंगो छोड़ा इसकी स्पीड ये एक्सेलेट किया और इसकी स्पीड 90 मीटर पर सेकंड हो गई, तो ए का भी 90 मीटर पर सेकंड, बी का भी 90 मीटर पर सेकंड, क्योंकि दोनों कॉन्टैक्ट में था बस के। मैंगो को छोड़ा उसके बाद एक्सेलेट किया तो मैंगो की स्पीड तभी भी 80 रहेगी। तो अब बताओ नीचे वाले का 90 और मैंगो का क्या हो गया 80, तो ये तेज चलेगा और ये समझ में, ये तेज चलेगा और ये धीरे, तो क्या होगा मैंगो पीछे ही रह जाएगा, तो भी हाथ में इसके नहीं आएगा और मैंगो क्या हो जाएगा बच्चों पीछे ही गिर जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, तो मैंगो किधर गिरेगा पीछे, ठीक है, तो उसके हाथ में वो नहीं आएगा। हाँ अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उसके हाथ में आ जाएगा, समझ में आया। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये इनर्सिया के कई तरीके का क्वेश्चन होता है, तो इनर्सिया का पूरा कॉन्सेप्ट उन लोगों को हम बता दिए क्या कैसे होता है। इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर आराम से कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, आज हम लोग इनर्सिया पढ़े, फोर्स पढ़े, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का टॉपिक जो था फोर्स और इनर्सिया का, देखो ये दोनों पे अगर अच्छा कमांड हो और अच्छे से फील हो गया हो कि क्या है, तो आराम से आगे का चैप्टर कवर कर लोगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक ये था कि बस इस चैप्टर को फील करो कैसे कैसा ये चैप्टर है, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट्स अच्छे अच्छे कर सकते हो, अगर पूरा वीडियो समझ में आ गया तो अंडरस्टूड जरूर लिखो। तो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड जय हिंद जय भारत।